हेलो वेलकम टू अगर आपके पास कोई भी सवाल है सोसाइटी में, we'll को अगर अगर में कोई बच्चा 10th के बाद अपने मां बाप को बोले कि उसको परफॉर्मिंग आर्ट्स में करियर बनाना है तो उनका क्या रिएक्शन पॉसिबल होगा बट परफॉर्मिंग आर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत से प्रोफेशंस पॉसिबल हैं डांस में म्यूजिक में एक्टिंग में स्क्रीन राइटिंग में डांस एक ऐसा आर्ट है जिसे कर बहुत लोग लेते हैं बट उसमें प्रोफेशनल करियर कुछ मैड कैप्स ही बना पाते हैं। और उन्ही मैड कैप्स में से एक से आज हम मिलेंगे मिस ऐश्वर्या श्रीवास्तव ऐश्वर्या ने अपनी बी इन हिस्ट्री के साथ साथ कथक में अपनी मास्टर्स भी कम्पलीट की उसके बाद वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू उन्होंने काफी जगह विद इन इंडिया परफॉर्म किया एंड अब्रॉड भी हमारी कंट्री को रिप्रजेंट किया एंड करेंटली शी इज रनिंग सक्सेसफुल डांस स्टूडियो in delhi so let's connect with her and know more about job roles in dance and also know how difficult or easy was her journey of finally becoming a madcap hi shwara welcome to madcaps thanks a lot for joining oh, jab. i was trying to find someone जो एक्चुअली मेरे प्रोफेशनल करियर जिन्होंने बनाया हो डांस में एंड आई वाज लुकिंग फॉर सम पीपल बट मैंने जब आपकी स्पेशल प्रोफाइल देखी इंस्टाग्राम पे मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी एंड दैट वाज जब आप स्पेसिफिक पोस्ट डालते हो जो कि आपकी खुद की लाइफ ऑब्जर्वेशन या लर्निंग से ड्राइव होती है और उसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं इन्फॉर्म करना चाहते हो कि अपना पैशन चूज करो अपने मन से एंड वो स्टिग्मा में मत फंसूँ And okay. I really wanted to know about that. And I'm really grateful that you decided to join our series. So, thanks again. So, why don't we start with a quick description of your role first? Okay. So, um, I'm Ashwarya Srivastav. I am from Delhi and I'm a Kathak artist. I'm a performer, choreographer, and an instructor. I I have been in in this industry since uh, from past 20 years we can say. I was स ओल्ड जब मैंने इस जर्नी में शुरू किया एंड नाउ इुल करियर सो एवरी थी डू इज ओनली अराउंड एंड है ना उनकी लाइफ में शुरुआत में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनमें उनको सच में पता लगता है कि हाँ इस स्किल में मैं एक्चुअली लोगों से बेटर हूँ या स्किल में मैं खुद भी बेहतर हूँ तो वो स्पेसिफिक इवेंट क्या था जब आपको लगा कि हाँ यार डांस एक ऐसी स्किल है जिसमें मैं करियर भी परस्यू कर सकती हूँ और इसमें मैं एक्चुअली मैं अच्छी हूँ ओके सो जैसे बच्चों को बचपन में हम बोलते हैं कि कोई हॉबी सबके अपनी हॉबी होती है सो डांसिंग वाज माय हॉबी सो आई स्टार्टेड इट एज अ हॉबी ओनली मेरी मॉम ने एडमिशन करवाया एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग इट सो ऑल दीज हॉबी ऐसा तब मेरे दिमाग में नहीं था कि मुझे इसको करियर में बदलना है या मुझे इसको करियर बनाना है अपना ट्वेल्थ स्टैंडर्ड क्लियर किया एंड जब मेरे एडमिशन्स का प्रोसेस चल रहा था इन डेली यूनिवर्सिटी सो आई एनरोल फॉर दी ए कोटा दैट इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कोटा जहाँ पे आपका कोई अलग अगर आप के अंदर कोई टैलेंट है उसके अंदर आप सर्टिफाइड भी हो तो आप उसके अंदर करियर बना सकते हो उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो फॉर विच यू गेट फिफ्टीन परसेंट रिलैक्सेशन सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग इन एवरी कॉलेज हर जगह कॉलेज में जाके ऑडिशन देना होता था So, जब हाँ पे मैंने uh, पहले सर्टिफिकेट राउंड होता है जिसमें वो वो आपको सर्टिफिकेट बेसिस पे करते हैं हैं फॉलोड बाय फिर आपका लेते सिलेक्टेड। में हर जगह मेरा फटाफट से सबसे नंबर वन सिलेक्शन हो जाता था एंड देन ऑडिशन जब मैंने दिया देनाइज इतने सारे पार्टिसिपेंट्स के होने के बावजूद Mm -hmm. जब मैंने कॉम्पिटिशन देखा और खुद को देखा दैट द टाइम जब मैं खुद को कंपेयर कर पाई एंड दैट्स द द मोमेंट आई डिसाइडेड उसी टाइम और प्रोसेस के बाद दैट दिस इज इट मुझे यही करना है क्योंकि इसी से मेरे को खुशी मिलती है और मैं ये बहुत अच्छा करती हूँ लोग बहुत प्रेस करते हैं वहां पे हर बार ऑडिशन देने के बाद जजेस या कोई पर्सनली आके इवन फ्रॉम द ऑडियंस दे यूज्ड टू प्रेज मी एंड आई आई गोट सिलेक्टेड तब so, मोमेंट जो मेरा टर्निंग पॉइंट था जब मैंने ये सोच लिया था कि मुझे इसी को अपनी जिंदगी बनाना है क्योंकि ये ही मेरी पहचान है यही मुझे बाकियों से अलग करता है जैसे आपने खुद भी मास्टर्स की है डांस में कथक में तो आपको लगता है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोफेशन इसमें प्रोफेशनल करियर बनाने के लिए डांस में या फिर इसको विदाउट क्वालिफिकेशन भी पर्स्यू किया जा सकता है uh, अ नहीं डेफिनेटली आई फील के इसमें जरूरी है कि आप सर्टिफाइड हो जाओ क्योंकि आप एक्सपीरियंस तो खैर गेन कर ही लेते हैं हम इतने साल करके और जो हम सीख रहे होते हैं उसी का हमें एग्जाम देना होता है एंड देन वी गेट सर्टिफाइड तो क्यों नहीं जो आप ऑलरेडी सीख रहे हो उसको आपको जाके बस दो पल के लिए एग्जामिनर के सामने दिखाना है एंड देन एग्जाम्स देने हैं गेटिंग सर्टिफाइड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट अगर आप इसको करियर बनाना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि आप डांस टीचर बन जाओ वे विच इज द वेरी बेसिक थिंग आप डांस सीख के या कोई भी आर्टफॉर्म सीख के करना चाहो mm -hmm. तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट्स होने बहुत जरूरी है क्योंकि आप जब ऑडिशन दो गए आपसे क्वालिफिकेशन पूछेंगे कि आप इस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो फॉर इंस्टेंस कथक तो आपके इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन है हम और हम कैसे मान ले ये भी तो एक बात होती है कि आप कर रहे हैं इतने साल से क्या आपने बारह साल से किया बट वॉट प्रूफ What proof do you have on paper के हाँ इतने साल से किया so it's like कि आप सर्टिफाइड हो जाओ तो आपके लिए कहानी और आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाती है अगर आप उसको करियर बनाना चाहते हैं एक तरीके से कहीं पे जॉब के पर्पज से देख रहे हैं बट अगर आप फ्रीलांसिंग ही करना चाहते हैं जैसे आप शोज होते हैं आपको कहीं परफॉर्म करना है आपको मौका मिल रहा है तो इसमें इतना जरूरी नहीं होता कि आपके सर्टिफिकेट देखे जाए उसमें आपकी कला आप कितने निपुण है उसके अंदर आपको कितना एक्सपीरियंस है आपके डांस से से पता चल चल जाए जाता है देन यू कैन बी पार्ट ऑफ इट सो बट मेरे हिसाब मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप किसी चीज को पूरे शिद्दत से सीख रहे हैं और उसमें इतना टाइम डाल रहे हैं तो वो ही जाके आप एग्जाम बिल्कुल देना चाहिए और सर्टिफाइड होना चाहिए जब हमारे पास प्रिविलेज है सर्टिफाइड होने का सो so, मतलब जिस तरह का आप प्रोफेशनल रोल इसमें भी सोच रहे हैं उस पे भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की अकेडमिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी सो so, exactly. uh, कोई ऐसी अलग अलग तरह की अकेडमिक क्वालिफिकेशन जो आप रिकमेंड कर सके जो होती हैं डांस में बहुत बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है डांस की uh, गंधर्व अखिल ग महाविद्यालय दिस इज फ्रॉम मिर्ज देन वी हैव खेड़ागढ़ देन वी हैव भातखंडे देन वी हैव मेनी अदर्स जहाँ पे आप डिलियो से भी आप अपना एग्जाम दे सकते हैं डांस mm -hmm. का म्यूजिक वगैरह में तो सर्टिफाइड होना बहुत आसान है आपको बस फॉर्म भरना होता है आप पर्टिकुलर अपना यूनिवर्सिटी देख लीजिए कि आप कौन सा दे सकते हैं एक बहुत कॉमन यूनिवर्सिटी है प्रयाग जिससे हर कोई एग्जाम देता है वहां से भी देख सकते हैं सो so, आपको कहाँ कौन से कंफर्टेबल है आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं क्या सिलेबस फॉलो करना चाहते हैं वो आप यूनिवर्सिटी के पेजेस पे जाके देखो

सिखाती थी तो मैम को देखती थी कि कैसे सिखाते हैं सिखाना भी एक कला है कि कैसे सिखाया जाता है और फिर मैंने अपनी बारहवीं के बोर्ड देते ही अपना होम ट्यूशन देना शुरू कर दिया था मेरे घर के पास एक दो सिविल uh, लाइंस में और तिमारपुर बीडीएस स्टेट में कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको मैं जाके स्पेशली सिखाती थी एंड आई थिंक मेरी आई uh, गेस

आपके मन में बैठे हो बट और पर आपको जाके पता लगूंगा कि ये तो सच नहीं था दिमाग में तो कोई नहीं था डांस को लेके हाँ बट ये होता है कि आपके जो अराउंड लोग होते हैं फॉर एग्जाम्पल रिलेटिव फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंड्स वेन यू सी देम देयर करियर इन परसुंगडमिक्स पढ़ाई में कुछ कर रहे हैं किसी की कहीं जॉब लग रही है कोई किसी एम में जा रहा है तो तब आसपास लोग बहुत होते थे पूछने वाले कि डांस करके क्यों वाई डांस इसमें क्या हाँ पैसा है So, ये मेरा मिथ नहीं बट ये सोसाइटी का मिथ मेरे को लगता है कि आज भी लोगों को लगता है कि करियर डांस में इतना पैसा नहीं है या इसमें करियर बनाना एकदम अनसर्टन है तो दिस इज अ रॉन्ग मिथ आई से आई मस्ट से आप इसमें अच्छे से आराम से पैसा बना सकते हो अगर यू हैव अ स्मार्ट माइंड हाउ टू यूज योर माइंड की आप इसको कैसे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो आप सिखाना शुरू कर सकते हो कहीं जॉब कहीं फ्रीलांसिंग राइट वे की कहा एक मिथ है की लोग पूछते थे कि आप कैसे भाई कितने कमा लोगे क्या हो जाएगा इससे दो, दो, रोटी से पेट भरना है क्या और कुछ नई लग्जरी आपको लाइफ में चाहिए सो दैट्स वन मिथ जो मैंने सोसाइटी का क्लियर कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है इसमें आप पूरे अच्छे से रह सकते हो और अच्छे से पैसे कमा सकते हो अपनी लाइफ पूरी काट सकते हो <laughs> कुछ तो होता है उनको सेफ्टी चाहिए होती है ढूंढते हैं तो अगर हम जॉब रोल्स की बात करें तो डायरेक्ट कुछ ऐसे जॉब रोल्स भी होते हैं और उनकी अच्छी प्रोफेशनल ग्रोथ भी होती है इसमें या करेक्ट जॉब रोल्स जब आर्ट फील्ड में तो सबसे पहला और इजी जॉब रोल होता है कि यू कैन अप्लाई एज अ डांस टीचर और अ म्यूजिक टीचर कि आप सबसे पहले नेचर लग सकते हैं सो so, बहुत सारे स्कूल्स हैं दिल्ली में बी इट प्राइवेट बी विट गवर्नमेंट जहाँ पे आप देखो कि उसमें वेकेंसी है या फिर जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी है एंड mm -hmm. आप उसके अंदर वो अपनी वेबसाइट पे भी डाल देते हैं तो आपको बस वहां अप्लाई करना होता है अपने सर्टिफिकेट के साथ में अटैच करना होता है आपको अपना एक्सपीरियंस बताना होता है एंड mm -hmm. वो आपको ऑडिशन लेते हैं आपका इंटरव्यू लेते हैं एंड आप सिलेक्ट हो गए तो ठीक वेल एंड गुड नहीं तो और भी स्कूल्स हैं जो आप फिर से ट्राई कर सकते हैं सो टीचर की जॉब लगाना इज अ लगना इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अगर आप एक देख रहे हैं कि एक परमनेंट सोर्स ऑफ इनकम के महीने में इतना तो हमारा फिक्स है अनसर्टेन नहीं है कि कल को कोई शो नहीं हुआ तो mm -hmm. उसके लिए बेस्ट है कि आप किसी स्कूल में आप जॉब uh, ऐसे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पर्मांट मंथली पर्मनेंट सोर्स ऑफ इनकम राइट तो जैसे हमने शुरू में भी बताया था कि आ, कुछ लोग होते हैं कि यहाँ से आपसे भी कोचिंग ले रहे हैं ताकि वो बाद में अब्रॉड मूव करें तो वो उनको हेल्प करे कोचिंग तो एक्चुअली yeah. मैं वो फ्यूचर एस्पेक्ट्स या अपॉर्चुनिटीज में क्या डिफरेंस है अगर हम कंपेयर करें अब्रॉड और इंडिया में अपॉर्चुनिटीज uh, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि अब्रॉड में नहीं है या दिल्ली में इंडिया में नहीं है अपॉर्चुनिटीज आर ऑल ओवर द ग्लोब वंस यू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री तो आप जब काम करना शुरू करते हैं तो आपकी कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है एंड देन आपको काम से काम मिलता जाता है कभी यहाँ कभी वहां आपको अब्रॉड में भी करने का काम मिलता है और जब आप सर्टिफाइड हो जाते हैं और आप और एग्जाम्स देखते हैं दूरदर्शन के भी एग्जाम्स फिल करते हैं दूरदर्शन क्रिएटेड आर्टिस्ट हो जाते हैं तो आपको फिर गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से बाहर परफॉर्म करने के लिए या फिर सिखाने के लिए भेजती है आईसीसीआर का अगर आप करते हैं भरते हैं वहां से आप हो जाते हैं तो आपको अब्रॉड में ही कभी दो साल कहीं सिंगापुर कहीं रशिया कहीं कोरिया आपको वहां पे सिखाने के लिए एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में आपको जॉब दी जाती है सो इसमें अपॉर्चुनिटीज इस तरीके से और भी सारे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑल्सो हेल्प यू अगर आप इंडियन क्लासिकल आर्ट फॉर्म में घुसते हैं तो गवर्नमेंट भी आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देती है आप आ, स्पिक मे की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से इंस्टीट्यूट और कॉलेज में जा जाके आप वर्कशॉप या लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं आप वो करते हैं टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट फॉर्म इन यूनिवर्सिटीज जितनी है तो आपने पहले हिस्ट्री में बैचलर्स की एंड फिर आपने डिसीजन लिया मास्टर्स करने का डांस में तो वो डिसीजन लेने का जैसे आपने बताया एक तो ऑडिशन थे जो मेन कारण था एंड पार्ट ऑफ एन इंडियन फैमिली आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था उस ट्रिगर पॉइंट के बाद जब आपने वो हार्ड डिसीजन लिया मूव करने का एंड वो रिएक्शन के साथ आपने डील कैसे किया? ओके okay. सो so, uh, जब हम क्लासिकल की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं तो आप उनकी यूनिवर्सिटी में बचपन से एग्जाम्स दे रहे हो तो मैं जब पहला छह सात साल की थी तभी मैंने अखिल भारतीय महाविद्यालय द ग्लोब इसके अः uh, आपको ब्रांचेस यू ओमान हर जगह इंडिया हर पार्ट ऑफ द ग्लोब में मिलेंगे तो इसमें एक पूरा प्रोसेस होता है आपका फाइव इयर्स का स्कूलिंग होता है देन आपका विशारद इज डिप्लोमा एंड देन आपका पोस्ट डिप्लोमा मास्टर्स विच इज अलंकार होता है तो इट्स लाइक अ टेन इलेवेन इयर्स का पूरा जर्नी होता है आपका तो जब मैं अपने ट्वेल्थ uh, कंप्लीट करके अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी

मेरे फादर वांटेड मी टू बी एन आई ए एस ऑफिसर क्योंकि हमारे यहाँ हम श्रीवास्तव गवर्नमेंट सर्विस में जरूर जाते हैं मेरे mm -hmm. फादर ने मेरे लिए सपना देखा था uh, मैं कॉमर्स स्टूडेंट थी बट ही डिसाइडेड कि क्योंकि आपको आई एस में बैठना है तो आप हिस्ट्री लेंगी तो फिर मैंने हिस्ट्री ली और मैंने अपना ग्रेजुएशन हिस्ट्री में पूरा किया mm -hmm. अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी मैंने मेरा परस्यू हो रहा है कम्प्लीट नहीं करा है पर वो वही मैंने अपना पूरा एक लास्ट सेमेस्टर के अलावा मैंने पोस्ट ग्रेड के भी आ, हिस्ट्री के एमए के एग्जाम्स दिए मेरे पेरेंट्स हमेशा से ही सपोर्टिव थे कभी भी ऐसा नहीं मुझे फेस करने को मिला कि नहीं तो मैं ये नहीं करना है आई फील आई एम ब्लेस इस मामले में तो जब मैंने ट्वेल्थ के बाद ही डिसीजन ले लिया था कॉलेज में तो मॉम डैड को क्लियर था कि अब ये यही करेगी और मैंने उनको बता दिया था उनको कोई भी इसमें इश्यू कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि तो मेरे पापा ने एक चीज कही थी कि आप जो भी करो आप पूरे दिल से करोगे तो आप उसमें जरूर कामयाब होंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है और हमारा मतलब पेरेंट्स का साथ आपके साथ हमेशा है तो कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है उसको जैसा परस्यू करना चाहते हो करो तो मैंने पापा का दिल रखने के लिए अपनी पूरी पढ़ाई भी करी और क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया था डांस का तो वो भी मैंने पूरा करा और उसमें पूरा टाइम लगाया तो अगर पेरेंट्स वगैरह का कहें अपना तो मेरे पेरेंट्स का फुल सपोर्ट मुझे लकीली हमेशा से रहा है एंड आई थिंक दैट प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल आपके सक्सेस में अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं पूरे टाइम आई थिंक बल्कि वो एक सिक्योर वॉल हो जाती है जब बाहर के लोग वो चार बातें बना रहे होते हैं तब ये पेरेंट्स की एक हमें काफी आई थिंक सिक्योरिटी हो जाती है कि माँ बाप तो है माँ बाप तो तो अपनी तरफ है, क्या ही exactly. है बाकी right. अब ये तो होता ही है कि जब आप कुछ नया पाथ चूज करते हो ना अलग पाथ तो उसमें mm -hmm. ऐसा तो नहीं होता कि, कि सर फूलों की तरह आपके सामने परोस दिया जाएगा कुछ ना कुछ mm -hmm. बीच में ऑब्स्टेकल आती हैं कुछ ना कुछ ऐसे पार्ट्स होती हैं लाइफ में तो ऐसा कोई इवेंट जब आपको लगा हो कि यार बहुत आसानी से मैं जिंदगी जी सकती थी और नॉर्मल कोई अलग कर सकती थी वो कर लेती बट आई थिंक आपके केस में शायद आपका डांस ही ही शुरू से आपके साथ जुड़ा रहा है तो वो पैशन शुरू से रहा होगा पर कुछ ऐसा इवेंट जब आपको ज्यादा फेस करनी पड़ी ऑब्स्टिकल बट फिर भी आप डटी रही आप लगी नहीं अपने पैशन को फॉलो करने के लिए ऐसा ऐसा बस मैं ये कहूंगी कि ना जब मैं अपने कॉलेज के डेज में इसके अंदर मास्टर्स कर रही थी स्पेसिफिकली तो इतना ज्यादा बर्डन हो जाता था मेरा शेड्यूल इतना बिजी हो जाता था और इवन कॉलेज के बाद जब सब इन्जॉय कर रहे होते थे रात को पार्टीज चले गए चले गए तो बॉर्डी तब मैं अपना डांस में इसमें लगी हुई हूँ तब मुझे बस ये लगता था कि ये मेरा मिस हो गया है कि ये क्यों कर लिया मैंने नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं करी बट फिर वो सुबह उठ के वापस वही जोश वही दिन कैसे निकलना है वो निकल जाता था बस मेरे लिए यही एक था बाकी कुछ भी है। <laughs> इतना नेगेटिव नहीं था लाइफ में कुछ भी ओके बट आई थिंक जब आप वो डांस कर रहे होते होगे आप वो भूल जाते होगे वो चीज डांस इज थेरेपी डांस या कोई भी okay. आर्ट फॉर्म जो आपको सुकून दे वो आपके लिए थेरेपी है सो आप जितना भी कॉलेज का या फिर इंडस्ट्री का या कहीं भी जो नेगेटिविटी या पॉलिटिक्स होती थी पर जब वो एक घंटा डांस कर रहे होते थे तो वो सब दिमाग से चला जाता था वो एक घंटा ऐसा है आपके लिए वो मेडिटेशन है आपकी कला आपको सुकून देती है तो एक टाइम पे एक घंटा ऐसा होता था कि ये मेरा है इसमें मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता है इसमें को अपने अपने लिए जो करना है मैं अपने लिए कर रही हूँ अगर मैं पूछू की जब आप पूरी जर्नी में देखते हो तो इतनी मेहनत का आपको लगता है कि कुछ अचीवमेंट स्पेसिफिक आपकी लाइफ की अचीवमेंट नंबर वन जब सारे ग्रेजुएशन के बाद और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद और जॉब्स करने के बाद जिस इनकम तक आते थे तब तो मैं अपने थर्ड ईयर तक आ गई थी अचीवमेंट नंबर वन सो फाइनेंशियली मैं अपने थर्ड ईयर में ही फुली फुल्प्लीटली इंडिपेंडेंट अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में टली हो चुकी थी सेकेंड ईयर mm -hmm. तक मैं पार्शियली थी थोड़े पैसे लेती थी बट थर्ड ईयर ऑनवर्ड मैंने एक भी पैसा नहीं लिया थर्ड ईयर से मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी सो दैट्स वन अचीवमेंट फॉर मी एंड आई है फैमिली लाइक एवरी ये मेरे लिए एक पहला अचीवमेंट था कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जल्दी मिलेगी दूसरा uh, लोग जॉब करते हैं इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद गालियां खाते हैं फिर घर आके रोते हैं क्रिप करते हैं कि क्यों कर लिया या ये है बॉस है ये है बट हमारे केस में जब हम अपने पैशन को ही करियर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे अंदर कभी ये नहीं आता क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं हम खुद जिम्मेदार हैं और हम जब भी आएंगे हमारे पास कभी कंप्लेन्स नहीं होंगी हमारे दिमाग में प्लानिंग होगी अब क्या अब नेक्स्ट डे क्या करना है कि ऐसे ना हो या नेक्स्ट डे की एक्साइटमेंट रहती है कि अब अगला क्या होगा तो दूसरा ये कि कभी भी वो क्रिब करने वाला फेज है रोने वाला फेज नहीं आता किसी गालियां की तो कुछ नहीं कहना जो हो आप खुद सवार अपने जिम्मेवार <laughs> और तीसरा मैं लकी समझती हूँ कि ये फील्ड ये आर्ट आपको पूरी दुनिया घुमा देता है आप बहुत ही कम उम्र में मैं आई थिंक इंडिया के बहुत सारे पार्ट कवर कर चुकी थी अः एब्रॉड जाने की भी कितने बार मौका मिला एब्रॉड में परफॉर्म किया तो आपको जो शायद आप नॉर्मल लाइफ में अगर आप किसी एमएनसी कहीं पे भी काम कर रहे हैं इतना ट्रैवलिंग नहीं होगा जो एक परफॉर्मिंग आर्ट्स आपको परफॉर्म करने के लिए जगह 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 मौका देता है तो आप दुनिया देखते हो आप शहर देखते हो आप लोग देखते हो ऑडियंस देखते हो कल्चर देखते हो वो बहुत जल्दी हो जाता है विच इज वेरी नाइस और आपको अपनी कला दिखानी है आप उसके लिए पेड भी हो आपको पैसे मिल रहे हैं और आप जाके वहाँ पे कल्चर भी देख रहे हो जगह भी घूम के आ रहे हो रहे दे रहे हो

अवेलेबल uh, है दूसरा मेरा नंबर पेज ओनली नहीं तो आप फेसबुक पे नहीं तो आप, uh, पे या फिर आप सीधा गूगल पे तो सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा जैसे आप मुझे कॉन्टेक्ट करेंगे हम आपको अबाउट द ऑन गोइंग बैचेज या फिर न्यू बैचेस जो कमिंग अप है उसके लिए अपडेट करते रहेंगे अच्छी बात है कि आप Zoom क्लासेस भी आपके

Uh, तो इसी पैंडमिक के अंदर एक ब्लेसिंग इन जो कहते हैं वो हमारे लिए हो गया कि हमने एक नया जरिया डिस्कवर किया विच इज ऑनलाइन सिखाना जो शायद अगर कभी पैंडेमिक या लॉकडाउन नहीं होता हम नहीं समझ पाते कि हम ऐसे भी सिखा सकते हैं सो so, ये एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट हो गया कि अब हम अपने घर में बैठे बैठे अपनी कन्वीनियंस से लैपटॉप खोला फोन खोला अब ऑनलाइन जूम से सिखा देते हैं तो अब जो लोग पहले रीच आउट करते थे मेरे को और बाहर रहते थे स्टूडियो के आसपास नहीं जो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं अब वो लोग भी सब डिफरेंट सिटीज के डिफरेंट कंट्रीज के कनेक्ट कर पाते हैं वो ऑनलाइन बैठे बैठे उसको सीख पाते हैं इनफैक्ट मैं एग्जाम्स भी दिलवा देती हूँ तो एग्जाम्स का फॉर्म आप ऑनलाइन ही सीख के फिर एग्जाम्स भी दे पाते हैं सो विच इज अ प्लस पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस इज अपर हिट सब अगर जो भी कर रहे हैं आर्ट फील्ड में जो भी दे रहे हैं